हेलो एवरीवन, मैथ्स टीचर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे यहाँ पे मैथमेटिक्स ऑनर्स बीएससी पार्ट 3 मस्ट वीवीआई क्वेश्चन, ठीक है। और यहाँ पे कुछ आपको हाईलाइट दिख रहा होगा, तो इसको हम लोग जानते हैं, ये आपका इंस्ट्रक्शन है जो कि आपको एग्जाम के अंदर दिए जाते हैं। तो यहाँ पे एंसर एनी 6 क्वेश्चन सेलेक्टिंग एट लीस्ट 1 फ्रॉम ईच ग्रुप, यानी कि आपको एंसर देना है एनी 6 किसी भी 6 क्वेश्चन का, ठीक है। और सेलेक्टिंग यहाँ पे होना चाहिए, कम से कम एट लीस्ट होना चाहिए 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच ग्रुप, यानी कि प्रत्येक ग्रुप से कम एक क्वेश्चन बनाना अनिवार्य है, ठीक है। और बाकी जो आपका टोटल इसमें 3 ग्रुप है, ठीक है, तो प्रत्येक ग्रुप से एक एक क्वेश्चन बनाएंगे तो आपका 3 क्वेश्चन तो वैसे हो ही जाएगा, और बाकी जो 3 क्वेश्चन बच जाएगा आप किसी भी ग्रुप से बना सकते हैं, उसके लिए आप फ्री हैं, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम नष्ट करते हुए हम लोग अपने ग्रुप पे आगे देखते हैं। यहाँ पे पेपर 6, ठीक है, तो पेपर 6 जो है आपका उसी का हम लोग गेस क्वेश्चन आज जानेंगे जो कि आपके थर्ड ईयर का है मैथमेटिक्स ऑनर्स का, ठीक है। तो पेपर यहाँ पे 6 जो है, इससे आपको टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आप तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का ए और बी करके 2 क्वेश्चन इसके अंदर और दिए गए हैं, और आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 का एग्जाम दिया होगा तो आपको यहाँ पे क्लियर होगा प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर ए और बी करके 2 क्वेश्चन और दिए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग अपने क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। हम सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है, और बाद में आपको बताएंगे कैसे इसका प्रिपरेशन करना है, ठीक है, वीडियो के अंत में, ठीक है। तो यहाँ पे डिफाइन नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप, प्रूव दैट द नॉर्मलाइजर एन ए ऑफ ए बिलोंग टू जी इज सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बी देखते हैं। तो बी आपका है यहाँ पे स्टेट एंड प्रूव क्लास इक्वेशन फॉर ए फाइनाइट ग्रुप जी, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार क्वेश्चन ए और बी यहाँ पे क्लियर होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो इसका ए हम लोग देखते हैं, कह रहा है स्टेट एंड प्रूव फंडामेंटल थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप्स, ठीक है। चलिए इसका हम लोग बी देखते हैं, कह रहा है प्रूव दैट द सेट ऑफ ऑल इनर एटोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप जी इज द सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप ऑफ इट्स एटोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कॉम्प्लीट होता है, ठीक है। जब आप हम आगे बढ़ेंगे, स्लाइड करेंगे, तो आप क्या कीजिएगा, वीडियो को पॉज कर करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या इसको कॉपी पे राइट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का ए, कह रहा है डिफाइंड इंटीग्रल डायरेक्ट प्रोडक्ट, ठीक है। सपोज ए ग्रुप जी इज एन इंटीग्रल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ इट्स सब ग्रुप, ठीक है, एच एंड के, देन प्रूव डैट करना है फर्स्ट में यहाँ पे एच एंड के हैव ओनली द आइडेंटिटी इज कॉमन, ठीक है। और इसका सेकंड जो है कह रहा है जी इज आइसोमॉर्फिक टू द एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ एच बाई के, ठीक है। तो ये आपका 3 का ए रहा, ठीक है। उसके बाद 3 का हम लोग बी नंबर देखते हैं, ठीक है। तो 3 का बी जो है आपका यहाँ पे कह रहा है प्रूव डैट ए से ए इनवर्स, ठीक है, ए डैश ए इनवर्स इज एन एटोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप जी इफ एंड ओनली इफ जी इज एबेलियन, ठीक है। तो इस प्रकार आपका 3 नंबर क्वेश्चन जो है फुल यहाँ पे होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो 4 का ए, कह रहा है स्टेट एंड प्रूव फर्स्ट साइलोज थ्योरम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का ए है। उसके बाद 4 का हम लोग बी देखते हैं, कह रहा है स्टेट एंड प्रूव सेकेंड साइलोज थ्योरम फॉर ग्रुप्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको हम बता दें, जो 4 नंबर जो क्वेश्चन होता है उसका ए और बी करके नहीं देता है, ठीक है। ये दोनों में से आपका कोई एक क्वेश्चन 100% चांस है कि दोनों में से कोई एक ही क्वेश्चन आपको आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दोनों क्वेश्चन इसीलिए लिखा है क्योंकि अगर ये फर्स्ट वाला आ जाता है तो आप फर्स्ट वाला का आंसर दे दीजिएगा, और सेकंड वाला आ जाता है तो सेकंड वाला का आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। लेकिन ये दोनों में से कौन आएगा इसका हम लोग चांस नहीं ले सकते हैं, लेकिन 100% चांस है दोनों में से एक तो
एकदम आना ही आना है, ठीक है। तो आप दोनों को प्रिपेयर कीजिएगा तो आपको 100% चांसेज आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। तो इसीलिए हमने दोनों क्वेश्चन को यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं ग्रुप बी को, ठीक है। तो ग्रुप बी में आपको रिंग्स पढ़ना है और इससे भी टोटल आपको 4 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग जो आपका 4 तक क्वेश्चन हमने देखा था ग्रुप ए के अंदर, अब यहाँ से स्टार्ट होगा आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 का ए देखते हैं, कह रहा है डिफाइंड ए डिवीजन रिंग, ठीक है। और यहाँ पे प्रूव डैट एवरी डिवीजन रिंग हैज़ नो डिवाइजर्स ऑफ 0, ठीक है। चलिए उसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का बी देखते हैं, कह रहा है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एसक्यू फील्ड, ठीक है, विच इज नॉट ए फील्ड। यहाँ पे एक एग्जाम्पल देना है आपको एसक्यू फील्ड का, जो कि विच इज नॉट ए फील्ड, यानी कि वो फील्ड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का ए, ठीक है। तो 6 का ए जो है आपका कह रहा है डिफाइंड ए सब रिंग, प्रूव डैट इंटरसेक्शन ऑफ 2 सब रिंग्स इज ए सब रिंग, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का ए है, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा या फिर आपको कॉपी पे राइट डाउन करते जाइएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बी। तो ये रहा आपका 6 का बी, कह रहा है यहाँ पे प्रूव डैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिंग, ठीक है। और यहाँ पे प्रूव डैट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन इज 0 और एन यहाँ पे जो है एन ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग एज द ऑर्डर ऑफ एनी नॉन जीरो एलिमेंट रिगार्डेड एज ए मेंबर ऑफ एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीग्रल डोमेन इज आइदर 0 और एन, ठीक है। तो इस प्रकार 6 का बी आपका ए और बी दोनों कंप्लीट होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं 7 का ए, कह रहा है प्रूव डैट एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन बट द कॉन्वर्स इज नॉट नेसेसरली ट्रू, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं 7 का बी, कह रहा है प्रूव डैट एवरी रिंग कैन बी एम्बेडेड, ठीक है, इन ए रिंग विथ यूनिटी, ठीक है। तो इस प्रकार आपका 7 का ए और बी दोनों कंप्लीट होता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 8 का ए, कह रहा है यहाँ पे डिफाइंड आइडियल ऑफ ए रिंग, ठीक है, और प्रूव डैट द इंटरसेक्शन ऑफ 2 आइडियल्स ऑफ ए रिंग आर इज एन आइडियल ऑफ आर, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखते हैं 8 का बी, कह रहा है प्रूव डैट ए फील्ड हैज नो प्रॉपर आइडियल, ठीक है। तो इस प्रकार टोटल आपका ग्रुप बी भी समाप्त होता है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखते हैं ग्रुप सी, तो ग्रुप सी जो है आपका उसमें लीनियर एलजेब्रा आपको पढ़ना है, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा। और लीनियर एलजेब्रा से टोटल आपको 4 क्वेश्चन इससे भी एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पे क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे लीनियर एलजेब्रा में जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो 9 का ए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, कह रहा है डिफाइंड वेक्टर स्पेस, यानी कि वेक्टर स्पेस को यहाँ पे डिफाइंड करना है, और प्रूव डैट ए नॉन एम्प्टी सबसेट डब्लू ऑफ ए वेक्टर स्पेस वी एफ, ठीक है, इज ए सब स्पेस ऑफ वी इफ डब्लू इज क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं बी, कह रहा है प्रूव डैट नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन फॉर ए नॉन एम्प्टी सबसेट डब्लू ऑफ ए वेक्टर स्पेस वी एफ इज ए सब स्पेस ऑफ वी इज ए बी बिलोंग टू एफ, ठीक है, एंड अल्फा और बीटा बिलोंग टू डब्लू, ठीक है। तो विच इम्प्लाइज ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग टू डब्लू, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका जो है यहाँ पे 10, ठीक है। तो 10 का हम लोग ए देखेंगे, कह रहा है प्रूव डैट द इंटरसेक्शन ऑफ 2 सब स्पेस डब्लू वन एंड डब्लू टू ऑफ ए वेक्टर स्पेस वी एफ इज ऑल्सो ए सब स्पेस ऑफ वी एफ, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 का बी देखते हैं, कह रहा है सो डैट द वेक्टर्स, यहाँ पे वेक्टर्स दिया हुआ है यहाँ पे एंड इतना 3 जगह पे फ्रॉम ए बेसिस ऑफ वी थ्री आर, ठीक है।
तो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ आपको क्लियर कर दें, जो आपका यहाँ पे कह रहा है बेसिस दिखाना है आपको थ्री वेक्टर्स का, तो 100% चांस नहीं है कि आपका यही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आए, ठीक है। लेकिन इतना 100% चांस है कि ये क्वेश्चन इस पर आपको दूसरा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। देखिए ये जो है एक न्यूमेरिकल पर्सन है, ठीक है, थ्योरी पर्सन है नहीं। तो न्यूमेरिकल पर्सन में 100% चांस है जो क्वेश्चन एक तो आता है बेसिस फॉर्म करने के लिए, दिखाने के लिए, ठीक है। लेकिन यही रहेगा, इसका 100% चांस नहीं है। तो आप हमारे YouTube चैनल से जुड़िए, हम आपको इस पर एक क्वेश्चन करा देंगे, जो कि कोई भी आपको इससे क्वेश्चन आएगा तो आपको नहीं छूटेगा, ठीक है। तो आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिएगा, तो इसमें का प्रत्येक क्वेश्चन कोशिश करेंगे धीरे धीरे हम अपने YouTube चैनल पर डालने के लिए, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर जो है, 11 का ए, ठीक है। तो कह रहा है डिफाइंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को डिफाइंड कीजिए, टी ऑफ ए वेक्टर स्पेस यू टू ए वेक्टर स्पेस वी ओवर एफ, ठीक है। इफ डायमेंशन यू इज इक्वल टू एन एंड रैंक ऑफ टी इज इक्वल टू, ठीक है, गामा, देन प्रूव न्यूलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू एन माइनस गामा, ठीक है। चलिए यहाँ पे बी हम लोग देखते हैं, 11 का बी, ठीक है। कह रहा है यहाँ पे डिफाइंड मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, ठीक है, फाइंड द आइजन वैल्यूज एंड क्रॉसपॉन्डिंग आइजन वेक्टर्स, ठीक है, ऑफ द मैट्रिक्स, यानी कि यहाँ पे मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसको आपको क्या करना है, आइजन वैल्यू एंड आइजन वेक्टर्स इसका फाइंड करना है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो आपका लास्ट है उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं, 12 नंबर, ठीक है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम के अंदर भी 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमारे गेस्ट के अंदर भी आपको 12 क्वेश्चन ही दिए गए हैं, ठीक है। चलिए 12 का ए कह रहा है स्टेट एंड प्रूव काइलिज हैमिल्टन थ्योरम, ठीक है, स्टेट एंड प्रूव काइलिज हैमिल्टन थ्योरम, ठीक है। चलिए और बी देखते हैं, कह रहा है फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है, ए दिया हुआ है यहाँ पे 2 1 1 3 2 1 1 1 1 एंड वेरीफाई काइले हैमिल्टन थ्योरम, ठीक है। तो इस प्रकार आपका टोटल क्वेश्चन एग्जाम के अंदर जो आपको VVI पूछे जाएंगे वो टोटल यहाँ पे इस प्रकार क्लियर होता है, ठीक है। सबसे पहले आपको हम यहाँ पे बता दें, जितना भी क्वेश्चन हमने आपको इसमें कराया है सब क्वेश्चन को आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, ठीक है, और प्रत्येक क्वेश्चन को अपने कॉपी पे राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है, और प्रत्येक क्वेश्चन को आप कोशिश कीजिए सॉल्व करने का, कहीं से भी पॉसिबल हो, ठीक है। बुक का मदद लीजिए या फिर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर जो है धीरे धीरे कर करके अपने यूट्यूब चैनल पर डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं या फिर बुक की हेल्प भी ले सकते हैं, ठीक है, और प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस कीजिए और 100% चांस है आपका एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन यही पूछे जाएंगे, ठीक है। इसमें से तो 100% चांस है, जो आपको 12 क्वेश्चन है जिसमें से आपको 60 क्वेश्चन बनाना है, तो उम्मीद है पूरा ऑल टोटल क्वेश्चन आप इससे क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी को विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसके अलावा हम नेक्स्ट वीडियो में जो है आपका बाकी जो पेपर बचा हुआ है उसको हम लोग लेकर मिलेंगे फिर गेस्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर आने के लिए, वीडियो को देखने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो तो दिल से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।